हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज का ये टॉपिक अलाइनमेंट का है। ये देख सकते हैं यहां पर एक शीट हमारे पास बनी हुई है। इसमें यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर, सब्जेक्ट फाइव और यहां पे टोटल किया गया है। आज का टॉपिक अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट यानी आप जो लिखेंगे वो ऊपर होगा, नीचे होगा, मिडिल में होगा, ठीक है, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा या सेंटर में होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे गूगल शीट में कैसे कैसे ये होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो क्या करता हूं, यहां सब्जेक्ट वन लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसको मैं डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देता हूं यहां से, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए ये जो है ना, ये सारा भी क्या लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, तो यहां पे इसके भी बारे में समझेंगे। पहले इसको डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देता हूं, आप कोई भी इसमें से नंबर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं एक चीज कॉमन है कि जो नंबर है वो किधर की तरफ अलाइन है, नंबर हमेशा जो है राइट साइड में अलाइन रह रहा है। देखिए ना, बाय डिफॉल्ट अगर आप लेते हैं नंबर, तो नंबर हमेशा राइट साइड में अलाइन रह रहा है, ये राइट साइड है ना, और टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन रह रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आते हैं, या फिर जो भी स्प्रेडशीट के इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो जो है इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन उनमें भी होता है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं ये लेफ्ट में अलाइन है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट है तो लेफ्ट में अलाइन है, और अगर नंबर होगा तो वो राइट में अलाइन होगा। अलाइनमेंट चेंज करना हो तो कहां से चेंज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब देखिए ये जो है ना, अब आपको पता चल जाएगा कि ये किधर की तरफ अलाइन है। ये पूरा ही सेक्शन आप देखिए, ये पूरा ही जो है बॉटम में अलाइन है, ये देख रहे हैं, ये बॉटम में अलाइन है। तो यहां पर एक आपको मिल जाता है ये ऑप्शन, यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइन जो दिया हुआ है, यहां पर आपको क्लिक करना है एरो पर। तो यहां पे तीन अलाइनमेंट आपको मिलते हैं, पहला है लेफ्ट, दूसरा है सेंटर और तीसरा है राइट, ठीक है। तो ये जो अलाइनमेंट है ना, ये जो है वो आपको सेंटर, लेफ्ट या राइट की तरफ अलाइन करता है। अच्छा, टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहां पर देखिए ये येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया, ये किधर की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ रहेगा और नंबर हमेशा राइट की तरफ रहेगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट जो है राइट की तरफ कर दे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने सेलेक्ट किया है और यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल अलाइन दिख रहा है, इसके एरो पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको तीनों दिखेगा। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में है, अगर आप सेंटर में करना चाहें या राइट में, तो राइट की बात है, तो यहां पर राइट वाले पे क्लिक कर दीजिए। देखिए राइट में चला गया। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में हो जाए तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं, तो ये देखिए बीच में आ गया। तो ये है, ठीक है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में अलाइन रहेगा और नंबर हमेशा राइट में अलाइन रहेगा, ये बात तो समझ में आ गई। और ये भी हॉरिजॉन्टल अलाइन समझ में आ गया। अब ये बचा हुआ है वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन में क्या क्या चीजें हैं, तीन चीजें हैं, एक टॉप है, एक मिडिल है और तीसरा है बॉटम। तो अभी देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट बॉटम में अलाइन है, ये देखिए ना, ये बॉटम में अलाइन है, पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर इसका अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर आप टॉप करना चाहते हैं, तो यहां पे टॉप पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही टॉप करेंगे तो एकदम ऊपर की तरफ ये अलाइन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में अलाइन हो जाए तो सेंटर वाले पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि बॉटम में ही रहे तो बॉटम में भी कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट का पूरा सेक्शन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।